जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपको पता ही है कि भाई मोदी सरकार पार्ट टू का गठन हो चुका है, यानी मोदी जी प्रधानमंत्री है और कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्ति हो चुकी है और किन किन व्यक्तियों को कौन कौन सा पदभार यानी कौन कौन सा विभाग दिया गया है उसकी सूची आज प्रकाशित हो चुका है। तो चलिए फिर आज देखते हैं कि किनको कौन सा पद मिला है। लेकिन इसमें एक बात जानने वाली बात है, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कैबिनेट मंत्री और यहाँ पे लिखा हुआ है राज्य मंत्री। जैसे आप देख रहे होंगे कि रेल मंत्री किसको मिला और फिर देता है कि रेल राज्य मंत्री कौन है। अब यहाँ पे जो राज्य मंत्री का मतलब आप अगर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मैंने एक वीडियो भी बनाया था प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की बातें, एक वीडियो पूरा सारांश दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। लेकिन ऐसे है कि देखिए भाई, जो कैबिनेट मंत्री और उनकी सहायता के लिए राज्य मंत्री की नियुक्ति होती है, ठीक, यानी कैबिनेट मंत्री रेल मंत्री हैं और रेल राज्य मंत्री इसका मतलब उनकी सहायता के लिए बनाए गए हैं। और अगर कैबिनेट मंत्रियों की बैठक होती है तो उसमें राज्य मंत्री शामिल नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, यानी कोई विभाग को दे दिया जाता है कि भाई आप संभालिए, स्वतंत्र है, आपके आगे पीछे कोई नहीं है। तो वो लोग जैसे वो स्वतंत्र प्रभार जो संभाल रहे हैं वो कभी कभी कैबिनेट मंत्री वाले जो बैठक है उसमें शामिल हो सकते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है, जैसे आपके सामने तो बहुत सारे पीडीएफ मिल चुके होंगे, बहुत सारे डाटा मिल चुके होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं पहला ही बना रहा हूं। लेकिन मैंने क्या बनाया है, एक तरफ लिखा हुआ है कैबिनेट मंत्री, एक तरफ मंत्री विभाग का जो पद है वो, और एक तरफ राज्य मंत्री, यानी किस बड़े मंत्री के सहयोगी कौन है, मैंने ये बनाया हुआ है, उसके बाद आगे भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे है कि भाई गृह मंत्री किसे बनाया गया, तो भाई सबको पता है कि भाई अमित शाह गृह मंत्री बने हैं। और गृह मंत्री के अलावा यानी कैबिनेट मंत्री के अलावा राज्य मंत्री में भी दो लोग गृह राज्य मंत्री बने हैं, यहाँ पे देखिए जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय, ठीक है। तो अमित शाह के हेल्प के लिए दो लोग राज्य मंत्री की नियुक्ति हुई है, किशन रेड्डी और नित्यानंद राय। तो इस फॉर्मेट को आप देखिए अच्छे से। उसके बाद है रक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री बने हैं कौन, राजनाथ सिंह, इनके सहयोग के लिए कोई राज्य मंत्री नहीं है। आगे देखते हैं वित्त मंत्री, वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण, और इनके सहयोग के लिए बने हैं, यानी वित्त राज्य मंत्री है तो अनुराग सिंह ठाकुर। उसके बाद आते रेल मंत्री, वही है पीयूष गोयल जी, और रेल राज्य मंत्री कौन है, अंगदी सुरेश। आगे है विदेश मंत्री, विदेश मंत्री बने हैं, बहुत आश्चर्य की बात है, सचिव थे पहले, अभी बने हैं एस जयशंकर, विदेश मंत्री बने हैं। और विदेश राज्य मंत्री कौन बने हैं, तो वो है इनके सहयोग के लिए वी मुरलीधरन। उसके बाद है परिवहन मंत्री, परिवहन मंत्री बने हैं आपके कौन, तो नितिन गडकरी, और उनके सहयोग के लिए परिवहन राज्य मंत्री बने हैं वीके सिंह। नेक्स्ट है कृषि ग्रामीण विकास, यहां पे देखिए कृषि ग्रामीण विकास मंत्रालय मिला है किसको, तो नरेंद्र सिंह तोमर। और इत्तेफाक की बात है आज ही विभाग मिला और आज ही एक्शन में आ चुके हैं, और इन्होंने कहा है कि भाई जो 60 साल के जो किसान हो जाते हैं तो उसमें उनको 3000 का पेंशन मिलेगा, इस तरह का सौगात दिया गया है आज बैठते ही, बहुत अच्छी बात है ये। आगे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे तो भाई कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, इनके सहयोग के लिए कैलाश चौधरी है और साथ में पुरुषोत्तम रूपाला है। अगर मैं सहयोगी बोली तो आप बोलेंगे तो समझ जाएंगे आप कि भाई किसके बारे में बात कर रहे, राज्य मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लोग कृषि मंत्री हैं और किसान के विकास की बात करेंगे, लेकिन साध्वी निरंजन ज्योति, ठीक, साध्वी निरंजन ज्योति को मिला है ग्रामीण विकास, क्लियर है। आगे देखते हैं, ये रहा स्वास्थ्य मंत्री, और स्वास्थ्य मंत्री कौन बने हैं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हैं इसलिए इनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। और जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री कौन है, तो अश्विनी चौबे, इसलिए ये हमारे बक्सर जिला के सांसद भी हैं और इनको बधाई हो कि इन्हें मिला है आपको स्वास्थ्य राज्य मंत्री का पद। उसके बाद जनजाति मामला,
तो भाई झारखंड से है अर्जुन मुंडा, इनको जनजाति विभाग दिया गया है, और जनजाति राज्य मंत्री कौन है, रेणुका सिंह। नेक्स्ट अगला देखिए, पशुपालन डेयरी मत्स्य, इसके हैं गिरिराज सिंह जो बेगूसराय से जीते हैं, और इनके सहयोग के लिए राज्य मंत्री है संजीव कुमार वल्यान। आगे है मानव संसाधन विकास के मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल, और इनके सहयोगी है यानी राज्य मंत्री धोत्रे संजय। आगे देखिए जल शक्ति मंत्री, बहुत सारे विभाग को मिलाकर एक जल शक्ति मंत्री बनाया गया है, और वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, और जो राज्य मंत्री है रतन लाल कटारिया। उसके बाद देखिए उपभोक्ता मामला, जैसे खाद हो गया, उपभोक्ता मामला हो गया, वो है आपके रामविलास पासवान जी, पहले रेल मंत्री भी रह चुके हैं, तो रामविलास पासवान जी को उपभोक्ता मामला दिया गया है, और इनके सहयोग के लिए राज्य मंत्री नाम है दानवे राव साहेब राव, दो दो बार राव लगल है। आगे देखिए महिला एवं बाल विकास की जो मंत्री है वो स्मृति ईरानी, पहले भी विभाग इनको दिया गया था, लेकिन इस बार साथ में एक और विभाग स्मृति ईरानी जी को दिया गया है, कपड़ा मंत्री का, और इनके सहयोग के लिए है देवाश्री चौधरी। आगे है खाद प्रोसेसिंग यानी फूड प्रोसेसिंग के मंत्री, पहले भी रह चुके हैं, यही थी, नाम है हरसिमरत कौर बादल, लेकिन अगर देखा जाए राज्य मंत्री में इसी विभाग से रामेश्वर तेली। इस तरह से याद करना आसान हो जाएगा, नहीं तो पता चले एक ही चीज को इधर रख रहे हैं फिर राज्य मंत्री भी सेम सेम है, तो मैं चाहता हूं कि आप देखिए कि इनके सहयोगी कौन है। उसके बाद आगे है पर्यावरण वन एवं सूचना प्रसार मंत्री जो है वो है आपके प्रकाश जावड़ेकर, लेकिन बाबुल सुप्रियो जो है सिर्फ पर्यावरण और वन के मंत्री राज्य मंत्री है। आगे देखिए सामाजिक न्याय के जो मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री वो है थावर चंद्र गहलोत, और उसके बाद जो राज्य मंत्री है कृष्णपाल गुज्जर, तो ये हैं जिनके सहयोगी हैं। आगे यहां भी देखिए कुछ कैबिनेट मंत्री यहां भी हैं, जैसे कि डीवी सदानंद गौड़ा रसायन और उर्वरक मंत्री है, और यहां देखिए रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री है, साथ में आईटी सेक्टर बहुत कुछ दिया गया है। ये देखिए प्रहलाद जोशी जो कोयला मंत्री के साथ साथ संसदीय मामला भी देखेंगे, यहाँ पे महेंद्र नाथ पांडे कौशल विकास योजना के भाई यही जिम्मा संभालेंगे मंत्रालय, इनको मिला है। अल्पसंख्यक के लिए मिला है, अल्पसंख्यक जो विभाग है उसके लिए मिला है मुख्तार अब्बास नकवी को, और यहाँ पे है पेट्रोलियम प्रधान के लिए, पेट्रोलियम मंत्री जो है वो है धर्मेंद्र प्रधान, इनको काफी भयानक जिम्मा मिला हुआ है, क्योंकि भाई तेल का दाम कुछ कम हो जिससे जनता खुश हो जाए, तो धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री है। और यहाँ पे भारी उद्योग का जो देख रहे हैं अरविंद गणपत सावत को मिला है। अब यहाँ पे 24 कैबिनेट मंत्री बने हैं, साथ में 9 जो राज्य मंत्री है उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिस्ट दिया हुआ है स्वतंत्र प्रभार। अब जैसे संतोष कुमार गंगवार, इनको श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाया गया है। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम मंत्री बनाया गया है। श्रीपाद मेसो नाइक यानी आयुर्वेद योगा ये सबसे संबंधित मंत्री हैं। यहाँ जितेंद्र सिंह उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है असम उसम आता है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए इनको बनाया गया है जितेंद्र सिंह को। साथ में किरण रिजिजू ये खेल मंत्री हैं और युवा विभाग को संभालेंगे, क्योंकि युवा है इसलिए युवा विभाग को संभालेंगे, और खेल में भी इनकी रुचि बहुत ज्यादा है। यहाँ पे देखिए प्रहलाद सिंह पटेल पर्यटन मंत्री हैं, और राजकुमार सिंह ऊर्जा मंत्री हैं, भाई ऊर्जा में रहेंगे। और यहाँ है ये देखिए हरदीप सिंह पुरी, पुरी खाएंगे कहाँ पर, आवास में रहकर, तो देखिए आवास एवं शहरी मामले। और यहाँ पे मनसुख एल मंडाविया ये है भाई जहाज रानी के मंत्री। तो चूंकि ये लिस्ट बहुत जरूरी था और मैंने इसलिए बनाया कि आप स्क्रीनशॉट भी ले लें या लिख लें, ऐसे तो बहुत सारे आपको पीडीएफ मिल चुके होंगे, आजकल बहुत फास्ट सर्विस है, 1 घंटे के बाद ही मोबाइल पे आ जाता है, लेकिन इस तरह का फॉर्मेट आप जरूर बनाइएगा
क्योंकि आप नोट नहीं करते हैं और हमेशा वो मोबाइल में ही पड़ा रह जाता है। तो मैंने एक अलग तरह का फॉर्मेट सोचा कि आपके लिए पेश करूं, क्योंकि बहुत कम जगह इस तरह के फॉर्मेट में आपको पेश करने को मिलता है। और मैं करंट अफेयर पर भी लगा हुआ था, करंट अफेयर बुक बना रहा हूँ जो आपके सामने लाने वाला था, तो इसी के चलते मैं थोड़ा लेट हो रहा था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जैसे ही ये चेंज हो तब मैं आपका पूरा कर दूँ। और पूरा करंट अफेयर तैयार है, बस इसके चलते मैं लेट किया हुआ था। तो एक डेढ़ सप्ताह के अंदर आपको पूरा करंट अफेयर का बुक मिल भी जाएगा, जो आपके एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप के लिए, जितना भी रेलवे ग्रुप डी के लिए है, आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि लगातार 4 महीने से मैं करंट अफेयर पढ़ा हूँ और थोड़ा थोड़ा करके उसमें जमा कर रहा हूँ। जमा करते करते बहुत हो चुका है वो, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो चलिए फिर इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, और किसी भी व्हाट्सएप पे आता है तो उस व्हाट्सएप को देखकर फॉरवर्ड कीजिए। आप देखिए, एक्चुअली कल परसों क्या हुआ था कि किसी ने एक फॉरवर्ड किया कि उसमें खेल मंत्री कोई और थे, शिक्षा मंत्री कोई और थे, बहुत तरह का कुछ दिया हुआ था। लेकिन एक चीज़ सोचिए, आप बिना जाने समझे उसको बहुत लोग फॉरवर्ड करते जाते हैं, तो वही मैसेज मुझे दोबारा ग्रुप में किसी दूसरे ग्रुप में मिलते जाता है। तो जब तक आप समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो आप उसको फॉरवर्ड ना ही करें तो बेहतर है। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।